अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाला ब्रो सबका पेरियां एक नजर हेडलाइंस पे। खिते जो हालतों तेजी से तब्दील थी रही हैं। पाकिस्तान में खिते में इंतहाई अहम किरदार अदा करने लाए वही रहा हूँ। भारत जहा इदारा पाकिस्तान के अमन के मुतासर कर साजिश में रुधल हैं। कश्मीर जो मसलो हल थे सवाय खिते में अमन मुमकिन ना है। अफगानिस्तान जो अमन पाकिस्तान जो अमन है। नालायक अपोजिशन में हुकूमत के को भी खतरो ना है। वफाकी घरू वजीर शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनकम जावेद बाजवा जो पुलिस के शहीदन के दिहाड़े से पैगाम। आर्मी चीफ पुलिस के शहीदन के सलाम पेश कंदे चवा है तो पुलिस फर्जन की अदायगी में वड़ी कुर्बानियों दिनों आहिन। अमन इस्तेकाम लाए पुलिस जो किरदार फख्र जोगो है। वजीर आजम ए पीटीआई चेयरमैन इमरान खान सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के आजाद कश्मीर के वजीर आजम लाए नामजद कर छो। वजीर आजम के लिए आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली में वोटिंग अज थी। आजाद कश्मीर के वजीर आजम लाए गडियल अपोजिशन चौधरी लतीफ अकबर के नामजद कर छो। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा से जब्तो न अची सको। आलमी वबा विघे 46 मरीज फौत। हयाती उन्याईंदड़न जो अंग 23,575 थी वो। गुजल 24 कलाकन दौरान 4,922 नवा केस रिपोर्ट। गुजल 24 कलाकन दौरान हाकारी केस की शर 8,22 सैकड़ो रही। इस्लामाबाद के खानगी अस्पताल में कोरोना वबा सबब दाखिल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा की तबीयत में सुधारो। ऑक्सीजन सिलेंडर हटाए वो। जस्टिस काजी फायज ईसा बयान दिनो है एहतियात न कर सबब कोरोना पकड़ी रो है। एहतियात से ही कोरोना वबा के शिकस्त दई सकजे थी। सिंध में कोरोना वायरस जा केस वधन लगा। खैरपुर में सिविल अस्पताल जो अगुणो सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल गनी सोलंगी कोरोना विघे फौत थी वो। ठटे जिले में कोरोना वायरस जा केस तेजी से वधन लगा। गुजल 24 कलाक दौरान 73 नवा केस जाहिर। कोरोना विघे इंजीनियर तारिक मेमण फौत थी वो। ठटे जिले में कोरोना विघे फौतियों जो अंग 20 थी वो। आई सिंध में जज्वी लॉकडाउन जो पंजो दिहाड़ो। कराची हैदराबाद नवाबशाह मीरपुर खास सखर ए लाड़कानी डिवीजन के केतरन ही शहर में लॉकडाउन की भन कड़ी। कारोबार ए ट्रांसपोर्ट खुलियल। बाजार में मानून की पी है।